राहुल गांधी जी भी कुछ भी नहीं किया अभी तक कोरोना काल में। शायद वो ये भूल गए होंगे कि हमारे युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, जिन्होंने राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में एक बड़ा नाम कमाया, जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की कोरोना के समय, उन्होंने हर अस्पताल में सेवा पहुंचाई, जो भी पीड़ित था कोरोना से उन तक सिलेंडर पहुंचाए, अनेक प्रकार की सेवाएं की, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी तारीफ की गई है। वहीं ये बात स्पष्ट है कि भाजपा का युवा मोर्चा है वो गायब रहा। जब संकट था कोरोना का उन दो महीने अप्रैल और मई में, वो समय भाजपा ही कहीं भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन हम लोगों ने गुना में अकेले दो टैंकर दिलवाए ऑक्सीजन के, अनेक सिलेंडर दिलवाए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी थी। और इसके साथ साथ जो चर्चा गुना में है, जब संकट था गुना में, अशोकनगर में, पूरे ग्वालियर संभाग में, भोपाल संभाग में, उस समय सिंधिया जी कहाँ थे? राहुल गांधी जी भी कुछ भी नहीं किया अभी तक कोरोना काल में। शायद वो ये भूल गए होंगे कि हमारे युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, जिन्होंने राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में एक बड़ा नाम कमाया, जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की कोरोना के समय, उन्होंने हर अस्पताल में सेवा पहुंचाई, जो भी पीड़ित था कोरोना से उन तक सिलेंडर पहुंचाए, अनेक प्रकार की सेवाएं की, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी तारीफ की गई है। वहीं ये बात स्पष्ट है कि भाजपा का युवा मोर्चा है वो गायब रहा। जब संकट था कोरोना का उन दो महीने अप्रैल और मई में, वो समय भाजपा ही कहीं भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन हम लोगों ने गुना में अकेले दो टैंकर दिलवाए ऑक्सीजन के, अनेक सिलेंडर दिलवाए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी थी। और इसके साथ साथ जो चर्चा गुना में है, जब संकट था गुना में, अशोकनगर में, पूरे ग्वालियर संभाग में, भोपाल संभाग में, उस समय सिंधिया जी कहाँ थे? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।